रांची में दो दिनों तक ट्रैफिक डाइवर्टेड रहेगा। आपको बता दें कि रातू रोड और फ्लाईओवर निर्माण के लिए प्लान बना है। कल से दो दिनों तक डाइवर्ट रहेगा वाहनों का रूट। तेजी से रातू रोड और वहां पर काम चल रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण का काम चल रहा है। तो आपको बताते चले कि कल से लेकर के दो दिनों तक वाहनों का जो रूट है वो डाइवर्टेड रहेगा। लोगों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, देखिए रांची में दो दिनों तक ट्रैफिक डाइवर्ट होने की बात कही जा रही है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए रांची में जहां से निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने तीन बड़े फ्लाई ओवर का निर्माण उनके द्वारा कराए जा रहे हैं और ये निर्माण कार्य पिछले एक साल से चलती आ रही है, लेकिन बहुत जल्द ये फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य पूरी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रातू रोड की बात कर ले, बहु बाजार की बात कर ले या फिर काटाटोली की बात कर ले, फिलहाल ये तीन बड़े जो फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है, निर्माण कार्य को लेकर ये तमाम जो चीजें हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं, ताकि लोग को दो दिन तक थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में जाम से निजात जरूर मिलेगा। हालांकि रातू रोड की जहां तक बात है तो रातू रोड के फ्लाई ओवर के निर्माण को लेकर किशोरी यादव चौक से लेकर राजभवन तक के रोड को डाइवर्ट किया गया, और दूसरी ओर दूसरी छोर की अगर बात करें तो पंद्रह बाजार से लेकर कह सकते हैं रातू रोड के साइड ये डाइवर्ट किए गए हैं, जो वो दूसरे छोर में वो रास्ता मिला था। यानी कुल मिला के रातू रोड इलाके में रहने वाले लोगों को दो दिन तक थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लक्ष्मी, बिल्कुल सूरज, देखिए चूंकि अब रूट डाइवर्ट की बात की जा रही है वो भी दो दिनों तक, तो ऐसे में ट्रैफिक की भी समस्या हो सकती है, जाम की भी समस्या हो सकती है। तो दो दिनों तक के लिए क्या सुविधाएं उन लोगों को दी जाएगी जो लोग आवाजाही करेंगे? देखिए निजात पाने के लिए, हालांकि देखिए सारी जो नोटिस है वो निकाल दिए गए हैं, और इस तरह से अगर लोग अगर फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य से अगर उन्हें बाधा पहुंचती है तो वैसे जगहों पर कई जगह रूट डाइवर्ट किए गए हैं, ताकि लोग उस रूट को अपना सकते हैं, ताकि वो जाम में ना फंसे। लेकिन फिलहाल अभी रांची के रातू रोड की बात कर ले या फिर अन्य जगह जो दो अन्य फ्लाई ओवर है उनका निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है, आने वाले दिनों में रांची के लोगों को काफी राहत मिलेगी जाम से। ठीक है सूरज, धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बने के सूरज बन, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे, जुड़े रहिए।